this treatment has been started, it is informed to the higher authorities and after that only she leaves. Thank you. Rama, I want to move on to you, Anita. So like Akshita said, and so did Swati and Dr. Jayesh, that role of the community, okay, in creating awareness in terms of exercising rights, etc. So can you brief us about the role that Sneha plays with all these multiple sectors and how we're able to bring about convergence through our program? कन्वर्जेंस तो हम देखेंगे, स्नेहा का रोल भी देखेंगे. सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि हमने जब काम शुरू किया, हमने कहाँ से शुरू किया. तो काम की शुरुआत में हमने ये देखना शुरू किया कि जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, कल से आज भी हमने चर्चाएँ की, वो शुरू कहाँ से हो रही है और उसके कई सारे पहलुओं को हमने देखने की कोशिश की. तो उसमें हमने देखा, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो आया वो था कि जो समाज का ढांचा है, जो सामाजिक ढांचा है और जो आर्थिक ढांचा है, उसमें बहुत बड़े फासले हैं. और वही फासला अगर हम युवाओं के बीच में भी देखेंगे तो हम यूथ को एक ही नापदंड से नाप नहीं पाएंगे. हम ये नहीं बोल पाएंगे कि इनकी ज़रूरत ये है तो उनकी भी ज़रूरत वही होनी चाहिए. इसलिए हमने समझना शुरू किया कि पावर रिलेशंस क्या है, संसाधन क्या क्या मौजूद हैं, कौन से ढांचे हैं सामाजिक आर्थिक, कहाँ पर पावर ज़्यादा है, किसके पास पावर कम है. हमने उस तरह से समाज को समझने की कोशिश की. तो तब हमने देखा कि जहाँ पर एक तरफ गरीबी है वहीं पर एक पुरुषतांत्रिक समाज का ढांचा है. तो गरीबी की वजह से अगर हम देखें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या सरकारी शिक्षा का जो ढांचा है वो बच्चों तक पहुँच नहीं पा रहा है, उसी तरह से अगर पुरुष प्रधान समाज है तो वहाँ पर लिंग भेद होने की वजह से कई सारी जो अधिकार हैं वो लड़कियों को नहीं मिल रहे हैं. उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि पढ़ाई एक चीज़ है, पढ़ाई तक पहुंच नहीं पा रहे, शिक्षा तक पहुंच नहीं पा रहे, साथ ही साथ जानकारी नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल जानकारी नहीं है. तो मैं बिल्कुल डॉक्टर जयेश और स्वाति जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि पहुँच कितनी ज़रूरी हो जाती है. यहाँ पर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं. वहीं पर अगर आप देखेंगे कि अगर मुझे मेरे अधिकार के बारे में नहीं मालूम है तो मैं चुप हूँ, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे अधिकार क्या है. तो अंग्रेज़ी में अगर हम देखेंगे तो कल्चर ऑफ साइलेंस. अगर अधिकार के बारे में मालूम नहीं है तो मेरे साथ अगर भेदभाव हो भी रहा है तो मैं उसको मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये समाज का एक प्रतीक है या समाज में ऐसे चला आ रहा है. उसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं वो है माता पिता और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन या जो बातचीत होनी चाहिए. आप लोगों ने भी उसके बारे में बात किया कि एकदम बच्चे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं और कई चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं कल से आज तक कन्फ्यूजन कि कई बार एडोलेसेंस में या परिवर्तन के इस उम्र में कभी कभी तो हम आपको बड़ा बना देते हैं, कभी छोटा बना देते हैं. तो जब काम करवाना होता है हम बोलते हैं कि आप बड़े हो गए ये कर लो, जब आप कुछ कहते हैं तो हम बोलते हैं कि अभी चुप रहो, अभी छोटे हो, बच्चे हो, है ना. तो वो भी एक मिसट्रस्ट और कम्युनिकेशन जो है. और एक चीज़ जो है जो हमारे सामने आई वो है इसकी वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से मानसिक रूप में जिस तरह से विकास नहीं हो पाता है या जो मानसिक स्थिति होती है वो कितनी अनस्टेबल होती है, मतलब कितनी डेलिकेट, कितनी नाजुक, कितने नाजुक दौर से गुजरते हैं बच्चे इस उम्र में. तो हमने पाया, जो प्रॉब्लम हमने देखा, हमने पाया कि विकास नहीं हो रहा है, जो क्षमता है, क्षमता जो है उसका भी पूरा विकास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक स्वास्थ्य है उसको काफ़ी हानि पहुँच रही है.
इस पर काम करने के लिए हम एहसास में क्या करते हैं? एहसास नेहा का प्रोग्राम है. एहसास का मतलब है एम्पावरमेंट हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी ऑफ एडोलेसेंस. तो इसमें हमने देखा कि युवाओं के साथ जब हम काम करते हैं तो हम किसी